अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत? गुड। आज वो क्या था का क्लिप है, अभी शेरी भाई और चांद भाई जिस लोकेशन पर गए थे, आई थिंक 2 वीक्स अगो या शायद लास्ट वीक, उसका क्लिप है। दो पार्ट में है, पहले पार्ट 1 देखेंगे और उस पर कुछ बातें करेंगे, उसके बाद पार्ट 2, फिर ज़रा डिटेल में बातें करेंगे आप लोगों के साथ। उससे पहले कुछ सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनके नाम ले दूँ, तो पहले जो हमारे भाई हैं उनका नाम है बड़ौदा किंग मैन, तो बड़ौदा किंग मैन भाई आपका नाम ले दिया जैसे आपने रिक्वेस्ट की थी। बड़ौदा भाई का भी एक चैनल है, वो स्टार्ट करने वाले हैं पैरानॉर्मल शो, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें। और दूसरे भाई जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनका नाम लूँ, वो भी इंडिया से हैं, उनका नाम है अशोक मीना भाई, आपका भी नाम ले दिया। आपने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी, सॉरी मैं भूल जाता था, लेकिन आपका नाम भी ले दिया आज। आई होप कि आप दोनों ठीक हैं और आई होप कि बाकी सारे सब्सक्राइबर्स भी खैरियत से हैं। चलें क्लिप देखते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं, और आप लोग भी कमेंट से बताएं कि आपको कैसा लगा क्लिप। सो क्लिप नंबर 1 देखते हैं, फिर बातें करते हैं। अच्छा, ये जिसे रोटी बेलते हैं वो खेला है, गुड कैप्चर। अगेन चांद भाई की फ्रेमिंग और वीडियो इज़ द बेस्ट, बहुत अच्छा कैप्चर करते हैं चांद भाई। ये टेबल ले लाया है, दोनों भाई दूर खड़े हैं और फुल फ्रेम में आया है। हमारे घर के अफराद फौत हो चुके हैं, वो उनकी शक्लों में नजर आते हैं, कपड़ों में बंधे हुए। ये भी बहुत अच्छा कैप्चर किया है, दोनों का बहुत डिस्टेंस है इस बास्केट के पास से। फिर इस बेल का हिलना, गुड कैप्चर। दरवाजे का हिलना, ये मुझे अच्छा लगता है जिस तरह ये शरीफ भाई, चांद भाई ये शूट करते हैं, पीछे से दिखा देते हैं और शरीफ भाई ने अंदर से दिखा दिया, कोई नहीं है कमरे में। वो चांद भाई ने पीछे कैसा कवर किया हुआ है कि ये दिखाने के लिए कोई निकला नहीं है कमरे से। ये स्लोमो में है, आई थिंक ये छत पे से आया है। चांद भाई को चाहिए था पैन कर देते लेफ्ट पे थोड़ा सा। एनीवे ये तो यार ज़बरदस्त, बिल्कुल हर चीज़ फ्रेम में थी, बिल्कुल सामने गिरा है। ये भी पैन कर दिया है चांद भाई ने। और ये फिर स्टूल का पीस जो इस पोटली में जो जादू का सामान था उसको उसके ऊपर आके गिरा है, जैसे चांद भाई ने कहा कि शायद उसे कवर करना चाह रहा है, प्रोटेक्ट करना चाह रहा है उस सामान को, ये जिन और जो मखलूक जिन्नात जो भी हैं इस कमरे में, इस घर में, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है, इट्स पॉसिबल। सबसे पहली बात तो ये है यार कि जैसे ये आपने देखा कि ये शुरू में इस तरह की पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं जिन्नात, जब आप उनके घर में दाखिल हो जाते हैं उनकी रिहाइश गाह पर, उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो आपको भगाने की कोशिश करते हैं, और उनका हर बार फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही होता है कि वो आपको डराएंगे, चीज़ें हिलाएंगे। शुरू में फौरन आवाज़ नहीं आती, सिर्फ चीज़ें हिलती हैं, नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ना आपको ये डराते हैं, ये कहने के लिए कि यहाँ से निकल जाओ, ये हमारी जगह है। वो भी समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाएँ, आपके घर में घुस जाएँ, तो आप भी यही करेंगे, आप उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे। तो ये इनकी जगह होती है, यहाँ रहते हैं, इनकी भी कम्युनिटीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, तो ये ऑब्वियसली इन्हें पसंद नहीं होता कि कोई तीसरा इंसान कोई और इनके घर में आ जाए, तो इन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, तो ये इनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। और अगर ये काम ना किया तो फिर ये बढ़ाते हैं अपनी एक्टिविटीज़, आप पे हमला भी करते हैं, चीज़ें आप पे फेंकना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि हम देखेंगे अगले क्लिप में कि
कि जब वो भी काम नहीं आता तो फिर ये फाइनली आप फिर बॉडीली हार्म आपके बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनका इनकी इनका तरीका होता है, इनकी स्टेजेस होती हैं। फाइनल स्टेज जब आती है, जब आप क्लियर कर रहे होते हैं जगह को, ज़ाहिर है पानी पे पढ़ाई की गई होती है, कुछ कुरान की आयात पढ़ के उस पानी पे फूका गया होता है, वो जब आप चार कोनों में डालते हैं तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता, या तो इन्हें जाना पड़ता है या फिर ये फुल ऑन अटैक करते हैं। और तब ये अपने आप को रिवील भी कर देते हैं और आवाज़ें वगैरह भी आ जाती हैं। तो ये जिन्नात का मेथड होता है। ऑब्वियसली ये भी इंटेलिजेंट बीइंग है जिन्नात, इनको भी अल्लाह ने सेंस दिया है, इनकी भी कम्युनिटीज़ होती है, ये भी इनके बच्चे होते हैं, शादियाँ होती हैं, उम्रें इनकी लंबी होती हैं इंसानों से 200 साल 300 साल, लेकिन इवेंचुअली मौत तो आती है इन्हें भी, क्योंकि ज़ाहिर लिविंग बीइंग है, जो भी चीज़ पैदा हुई है उसे मरना तो है, तो ये भी मर जाते हैं इवेंचुअली। इनको भी अल्लाह ने फ्री विल दिया हुआ है इंसानों की तरह, चॉइस दी है आप सही रास्ते पे चलें गलत रास्ते पे। जिन्नात में भी मुस्लिम्स भी होते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं। हाँ, इनका टेंपर का इशू होता है, ये कहते हैं कि ये आग से बने हैं इसलिए इनमें गुस्सा ज़्यादा होता है, लड़ाका होते हैं, लड़ते झगड़ते बहुत हैं। बल्कि मैंने कुछ पढ़ा है अहादीस में कि इंसान के इस दुनिया में आने से पहले जिन्नात इस दुनिया में बसते थे, लेकिन उन्होंने बहुत फसाद किया दुनिया में, तो फिर अल्लाह ने इंसानों के थ्रू मैसेंजर्स प्रॉफिट्स भेजे जो हम सब की गाइडेंस के लिए हैं, इंसानों के लिए भी हैं और जिन्नात के लिए भी। तो इनको कंट्रोल करने का यही तरीका था कि इनको भी मैसेज दिया जाए। क्लिप नंबर 2 देखते हैं और फिर उसके बारे में बातें करते हैं ज़रा। क्लिप 2 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाएंगी, वो देखते हैं। आप लोग भी फिर कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा क्लिप नंबर 2। चलें रेडी अब अटैक होना शुरू हो गया, क्योंकि पहला हर बार काम नहीं आया तो अब उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये शरीफ भाई को जो थप्पड़ पड़ा है गर्दन पे, इसकी आवाज़ आई बाकायदा। अब ये पोटली खोलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें फिर धक्का दिया है उन्होंने कि आप उस चीज़ को हाथ मत लगाएं, उनकी पोजेशन है। चाने ने अच्छा दिखाया, बोर्ड हिल रहा था, फिर स्टूल हिला, वो भी चांदा ने कैप्चर कर लिया है। उधर भी ये शरी भाई बता रहे हैं कि ये निशानात हैं हाथ किसी चीज़ के हाथों के। ये दूसरा वाला बहुत अजीब सा है, ये मैंने फ्रीज फ्रेम इसलिए किया ये दिखाने के लिए कि पहला जो हैंड प्रिंट था वो शरी भाई का था, जब आप गिरे थे तो उनका हाथ वहाँ पे लग गया था। दूसरा जो है उस पर फिर से मार पड़ी। ये आवाज़ें बहुत ही अजीब सी आवाज़ें थी। कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहली बार जब वो चीज़ें हिला रहे थे तो ज़ाहिर है शरीफ भाई चांद भाई वहाँ से नहीं भागे, तो उन्होंने फिर मारना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। टारगेट उन्होंने शरीफ भाई को ही किया, चांद भाई को शायद एक बार मार पड़ी थी, बैक पर कुछ लगा था कि या दो बार, लेकिन शरीफ भाई पर उन्होंने शायद इसलिए अटैक किया क्योंकि शरीफ भाई वो पोटली जो थी जिसमें जादू वादू का सामान था वो हटाना चाह रहे थे, वहाँ से लेके जाना चाह रहे थे, तो शायद
जिन्नात को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने शरी भाई को टारगेट किया, और आप देखेंगे कि किस तरह यू नो वो जो गर्दन पे एक चमाटा थप्पड़ पड़ा है उसकी आवाज़ कितनी ज़ोर से आई, और उसी वक्त आई फ़ौरन, जैसे ही शरी भाई को लगा है उसी वक्त आवाज़ आई है। आगे पीछे होने का कोई सवाल नहीं था कि आवाज़ पहले आ रही है और मूवमेंट बाद में, या मूवमेंट पहले आवाज़ बाद में, साइमल्टेनियस कैप्चर हुआ। तो ये चांद भाई ने बहुत अच्छा कैप्चर किया। पोडली का जहाँ तक सवाल है, वो उसमें आई थिंक कुछ सामान था इस तरह का तावीज़ या कुछ सामान था जो आई गेस जादू के लिए यूज़ किया गया था, किसी ने वहाँ रखा हुआ था। तो जिन्नात को कंट्रोल इसी तरह किया जाता है, आमिल लोग जो होते हैं काला जादू जो करते हैं वो इस तरह की चीज़ें छोड़ देते हैं घर में, फिर वहाँ जिन्नात बस जाते हैं, फिर उस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं। तो शरीफ भाई चूँकि वो चीज़ वहाँ से हटाना चाह रहे थे तो जिन्नात ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हैंड प्रिंट बहुत इंटरेस्टिंग था। एक तो मैंने आपको दिखाया कि वो शरीफ भाई का ही हाथ लगा था ज़मीन पर जब वो गिरे थे, लेकिन दूसरा वाला अजीब सा था, उसकी 6 या 7 उंगलियाँ थी, बहुत ही पॉइंटेड, इंसान का तो हाथ नहीं लग रहा था वो, तो आई एम गेसिंग वो किसी जिन का ही था। और आपने नोटिस किया होगा कि वो दूसरी तरफ पॉइंट हुआ हुआ था। और तीसरी बात यह है कि वो हाथ जो था वो जिन्नात की भी कुछ इकसाम होती हैं, डिफरेंट तरह के जिन्नात होते हैं, रेंगने वाले होते हैं जो ज़मीन पे रेंगते हैं, कुछ उड़ने वाले होते हैं। तो ये ऐसा लग रहा था कि वो रेंगने वाला जो जिन है जो ज़मीन पे रेंगता है उसके हाथ का निशान हो सकता था ये। तो ये इंटरेस्टिंग था किस तरह उन्होंने यू नो इस हैंड प्रिंट को भी कैप्चर कर लिया। मैंने सुना है कि उनकी उंगलियाँ एक इंसानों की उंगली से ज़्यादा होती हैं, 5+, लेकिन कम देखा है, कम देखने में आया है, मगर इंटरेस्टिंग था। और फिर आपने जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था वो जब पानी डाले थे शरी भाई एक्सरसिज्म जो कर रहे थे, तो तब वो आवाज़ें आनी शुरू हो गई, बहुत ही खौफनाक अजीब सी आवाज़ थी। मैंने काफ़ी बार सुना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि या तो वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, पहले ऐसा लगा कि वो हंस रहे हैं, फिर ऐसा लगा कि वो रो रहे हैं, पेन में, दर्द में रो रहे हैं। पानी डालने के बाद आई थिंक शायद उन्हें कोई पेन में हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि वो रोने की आवाज़ है। आखिर में जो बच्चे की रोने की आवाज़ आई वो अजीब सी थी। अब जिन्नात का जैसे आप लोगों को पता है कि वो इंसान को इमिटेट करते हैं, उनकी आवाज़ निकालना, उनकी शक्ल में आ जाना, तो हो सकता है कि वो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ निकाल रहे हो, इमिटेट कर रहे हो शरी भाई को वहाँ से भगाने के लिए, डराने के लिए। पहले मैंने सुना नहीं ऐसे कोई बेबी के रोने की आवाज़ भी निकालते हों, लिए शायद मैंने पहली बार देखा है। लेकिन इंटरेस्टिंग था कि किस तरह आवाज़, बिल्कुल सुनसान इलाका है वहाँ, तो बच्चे के होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो वो आवाज़ें आना। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पेन में वो आवाज़ निकल रही है, उनको दर्द हो रहा है शायद जिन्नात को, क्योंकि उन्हें भगाया वहाँ से निकाला जा रहा है पानी फेंकने के बाद। तो वो उस वक्त भी इन्होंने अटैक किया था शरी भाई पे, जब एक कोने में शरी भाई डाल रहे थे, तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो यही करते हैं कि किसी तरह भगा दें इन्हें, लेकिन फिर इन्हें खुद जाना पड़ता है, क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली है और चारों कोनों में डाल दिया है पानी, तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है, वो जगह छोड़नी पड़ती, उनके पास कोई चॉइस नहीं रहता, क्योंकि यू नो उस पर कुरान पढ़ा गया है, तो वो फिर वहाँ नहीं रह सकते। कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि अभी हमें कुछ नज़र आता है घर में, या आवाज़ें सुनाई देती हैं, या कुछ नज़र आता है, क्या इसका हल क्या है। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि अगर आप सूरह बकरा घर में प्ले करें, मोबाइल में भी कर सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं, तो वो बेस्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है आपका वहम ना हो, वाकई वहाँ पे कोई चीज़ है आपके घर में, तो आप सूरह बकरा ज़ोर से पढ़ा करें या उसे लगा दिया करें, तो वो आपके लिए बेहतरीन तरीक़ा है किसी भी ऐसी मखलूक को भगाने का। बहुत इंटरेस्टिंग था, गुड जॉब चांद भाई का। कैमरा वर्क एज़ यूजुअल इज़ द बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चांद भाई का हाथ बड़ा स्टेडी है, उनकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, उन्हें पता है कहाँ खड़े होना है, कितना डिस्टेंस रखना है, कब कैमरा पैन करना है, और यू नो उनके नेचुरली उनका कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, उनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है। दूसरों का भी कैमरा वर्क अच्छा होता है, लेकिन चांद भाई का इज़ एक्सलेंट कैमरा वर्क।
और क्वालिटी भी अच्छी होती है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होती है, साउंड भी अच्छा होता है इन लोगों का. तो ओवरऑल यू नो गुड लोकेशन, गुड एपिसोड, अच्छी पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ भी रिकॉर्ड हुई हैं और कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, बेस्ट कैमरा वर्क है हम लोगों के लिए, स्पेशली व्यूअर्स के लिए. हमें इस तरह का कैमरा वर्क मिले तो मज़ा आता है क्योंकि आपको हर चीज़ सही नज़र आनी शुरू हो जाती है, समझ में आनी शुरू हो जाती है. आप लोग ही बताएं कि आप लोगों को एक क्लिप कैसा लगा. इसके अलावा सज्जाद भाई ने अभी एक क्लिप डाला था एक्सप्रेस न्यूज़ पे, फिर उन्होंने सज्जाद सलीम डायरीज में एक्सप्लेन भी किया था, उन्होंने कुछ कैप्चर किया है, कुछ चीज़ कोई मखलूक दरवाजे पे खड़ी, शायद आपने देखा होगा. मैंने सज्जाद भाई को मैसेज फिर से किया पूछने के लिए कि मैं क्या आपका क्लिप रिव्यू कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया. जब तक परमिशन नहीं मिलेगी मैं नहीं कर सकता. लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप था, आप लोग देखें कि उन्होंने बताया कि उस मखलूक का कोई शेडो साया नहीं था जब उन्होंने रिकॉर्ड किया उसको. तो वो मैं उस पर कुछ बातें करना चाह रहा था, इजाज़त मिलेगी तो फिर मैं रिव्यू करूँगा. और वहाँ कौन है अदनान भाई का, उन्होंने कल एक एपिसोड डाली है, एक क्लिप डाला है पार्ट वन, बहुत इंटरेस्टिंग था, आप लोग देखें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और उसका पार्ट टू उसका इंतज़ार है, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह उसे रिव्यू भी करूँगा. लेकिन पार्ट वन वॉज़ वेरी गुड, आप लोग देखें. अदनान भाई की टीम एक्सेलेंट काम करती है, रियल दिखाते हैं, कुछ फेक वेक का कुछ चक्कर नहीं है, जो उन्हें नज़र आता है जो कैप्चर करते हैं वही दिखाते हैं. तो इंतज़ार रहेगा पार्ट टू का, अदनान भाई आप जल्द डालें. बाकी दूसरी टीम्स और भी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि यार कुछ और टीम्स, कुछ फॉरेन टीम्स, ये रशियन कोई टीम है, एक भाई ने लिंक भेजा है कि उसको भी रिव्यू करें, तो जब वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा. आखिरी बात ये, आई गेस सबसे ज़रूरी बात, कि अगर कोई भी टीम ये प्लान करी है कि वो यू नो जादू का इस्तेमाल करेगी, काला जादू, चिल्ला विल्ला जिसे कहते हैं, यू नो जिन को क़ैद कर लेना और इस तरह का कुछ मेथड यूज़ करेगी, तो उन लोगों के लिए यही टिप है यार कि इन चक्करों में मत पड़ें. जादू, काला जादू जो है हराम है, वो आपको इस्लाम से बाहर ले जाता है, और एक बार आप इस रास्ते पे निकल जाएं तो फिर वापसी बहुत मुश्किल होती है, उसके गलत असरात भी हो सकते हैं. तो अगर आप इस तरह का कोई मेथड यूज़ करना चाहते हैं अपने एपिसोड में, तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप उसे अवॉइड करें. अगर कोई आमिल आपको कहता है कि ये सही है, इस्लामिकली करेक्ट है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है. आप मत यकीन करें ऐसी बातों पे, ये गलत तरीक़े हैं, जादू इज़ हराम, तो उसमें मत पड़ें प्लीज़. नॉर्मल दिखाएं जिस तरह आप लोग कैप्चर करते हैं जा कर के, लेकिन कोई ऐसी मेथडोलॉजी मत शुरू कर दें जिसमें आप इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाए, जिसमें जादू वादू का कोई एलिमेंट हो वो उसमें मत पड़ें, वो आपके लिए बेहतर है. इवेंचुअली तो हम सबको अल्लाह के पास वापस जाना है, तो ये जादू वादू का चक्कर अगर शुरू हो जाए तो फिर आप इस्लाम के दायरे से बाहर भी निकल सकते हैं, और इससे बुरी चीज़ नहीं और कोई नहीं हो सकती, तो इसे अवॉइड करें. चलें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीकेंड पे डालूँ अगली वीडियो रेगुलर. मैं को ट्राई तो कर रहा हूँ मैं यार वन से वीक डालूँ, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिलता. आज मेरे पास टाइम था तो मैंने दो एपिसोड डाल दिए हैं दो दिन के गैप के बाद, लेकिन इस तरह मैं रेगुलर नहीं कर सकता. एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट वन से वीक ज़रूर डालूँ. तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय.